खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत लगार पंचायत के चरघैया लगार वार्ड संख्या 9 में एक महिला की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्रशासन चौकस हो चुकी है, जिसको लेकर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर पटवर्धन झा ने कहा कि वहां की एक महिला का आरटीपीसीआर जांच किया गया था, जिसके दौरान वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उसे होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इधर शनिवार को गोगरी एचडीओ सुभाष चंद्र मंडल, एसडीपीओ मनोज कुमार, सीओ अंशु प्रसून, थानाध्यक्ष संजय कुमार विश्वास पहुंचकर उक्त जगह को सील कर दिया। वहीं लोगों की उक्त जगह जाने से मनाही कर दी गई। चिकित्सा प्रभारी को होम क्वारंटाइन के दौरान देखरेख करने, मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर निर्देश दिए गए। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पटवर्धन झा ने उक्त महिला को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद होम क्वारंटाइन कर दिया है। वैक्सीन शुरू होने के बाद पहली बार कोरोना पॉजिटिव पाए लोगों में भय का माहौल दिख रहा है, जिसमें सीओ अंशु प्रसून ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद माइक्रो कंटेनमेंट जीवन बनाया गया है, उसे सील कर दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरे परबत्ता बाजार समेत अन्य गांव में कहीं भी सरकार के द्वारा जारी किए गए कोरोना गाइडलाइंस जैसे मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पालन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं कोरोना महामारी को पब्लिकों के द्वारा एक मजाक और राजनीतिक चाल बताते नजर आ रही है। बीटी न्यूज बिहार के लिए खगड़िया से सेवन आकाश की रिपोर्ट।